हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एरिस्टोजाइन सिरप के बारे में। इस एरिस्टोजाइन सिरप की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट रहता है। वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी डोज। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। अगर वीडियो को आप आखिर तक देखते हैं तभी आप इस दवा के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एरिस्टोजाइन सिरप गाइस, ये जो है इसको जो मैन्युफैक्चर किया है वो अरिस्टो फार्मा ने ही मैन्युफैक्चर किया है। अरिस्टो फार्मा कंपनी ने इसको अपने ही नाम से नाम दे दिया है एरिस्टोजाइन। तो इसको मैन्युफैक्चर अरिस्टो फार्मा द्वारा किया गया है। अब इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 110 रुपए से लगाकर 120 रुपए की एमआरपी में आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे। इसकी जो पैकिंग है वो 200 ml की बोतल में ही आता है। 200 ml की बोतल पैकिंग आती है इसकी गाइस। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है फंगल डाइटेस 50 mg में, पेप्सिन होता है 10 mg में, जो कि दोनों ही एंजाइम होते हैं। और इसके अलावा इसमें पाइन एप्पल का फ्लेवर ऐड किया हुआ होता है ताकि इसको लेने में कोई दिक्कत ना आए, पाइन एप्पल का सा फ्लेवर लगे। और इसमें फंगल डाइटेस और पेप्सिन एंजाइम जो है ये बॉडी के अंदर नेचुरली सिक्रीट होते हैं, नेचुरली बनते हैं। बट किन्हीं कारणों की वजह से ऐसे कुछ व्यक्तियों में ये एंजाइम नहीं बनते हैं, कम बनते हैं। तो उस कंडीशन में उन लोगों को ये सिरप लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनको फिर सिंथेटिक रूप में बाहर से एंजाइम लेने पड़ते हैं ताकि उनका खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। जब बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं तो फिर उनको बाहर से ही लेने की जरूरत पड़ती है। तब गाइस इसके यूजेस की बात करें तो इसका जो यूज होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में। मतलब इनडाइजेशन हो रहा है किसी को, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बिगड़ा हुआ है, भोजन उसका जो खाना है वो पचता नहीं है, सड़ता है पेट में, तो उस कंडीशन में उसके लिए इस सिरप को दिया जाता है, एरिस्टोजाइन सिरप को, ताकि उसका इंडाइजेशन ठीक हो सके, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक हो सके। इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख को बढ़ाने के लिए भी इस सिरप को दिया जाता है। कभी कभार भूख नहीं लगती है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को दिया जाता है भूख को बढ़ाने के लिए। या फिर किसी की गैस बनती है, बहुत ज्यादा गैस की शिकायत होती है, उसको गैस पास नहीं होती है, तो गैस पास कराने के लिए भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। और इसका अलावा जो इसका जो यूज होता है वो होता है हिकअप्स को रोकने के लिए, मतलब किसी को हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो होता है वेट गेन में भी इसका यूज होता है, मतलब इसको वेट गेन वजन बढ़ाने के लिए भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट बॉडी को नहीं लगते हैं, जब आप कोई खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी को नहीं लगता है। तो जब उसमें खाने में जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट ये चीजें होती है, जब डाइजेस्ट नहीं होती है तो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए भी इन चीजों को इस सिरप को दिया जाता है, ताकि इन चीजों का डाइजेशन अच्छे से हो सके, हाजमा हो सके और आपको खाना लगेगा तो लगे, आपको अगर खाना लगेगा तो फिर आपका वेट भी बढ़ेगा, हाँ वेट जो है गेन होगा। तो ये इसके कुछ यूजेस थे गाइस जो हमने आपको अभी बताए। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर कोई इस सिरप को ले रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो क्रोन्स डिजीज है किसी को तो उस कंडीशन में इस सिरप को नहीं ले। वो जीआई ट्रैक्ट में कोई सूजन आ गई है उसके, जीआईटी ट्रैक्ट में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है पेट का जो ट्रैक्ट है उसमें अगर सूजन आ गई है तो भी इस सिरप को नहीं ले। या फिर कॉन्स्टिपेशन में इस सिरप को नहीं दिया जाता, कॉन्स्टिपेशन में जो है लैक्सेटिव सिरप दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह से ही इसको दिया जाता है। और पैनक्रियाज की कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज जो होता है उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी इस सिरप को नहीं दिया जा सकता है। और अल्कोहल का कंजप्शन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो भी इस सिरप को ना ले। अब ये तो देखा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट नाम की, मतलब ये अगर आपको एरिस्टोजाइन नाम से नहीं मिलता तो किन किन और नामों से मिल सकता है। तो एक्रोजाइन सिरप और रोमीजाइन सिरप, वीजाइन सिरप, जीपीजाइन सिरप, इन नामों से आपको मिल जाएगा इससे हटकर भी। तो गाइस अब इसके साइड इफेक्ट की और बढ़ते हैं। तो साइड इफेक्ट जो इसके होते हैं तो उसमें हो सकते हैं इसके कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेनफुल यूरिनेशन, मतलब पेशाब आप करेंगे तो पेशाब में आप पेशाब करते टाइम दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, गले में इरिटेशन हो सकती है और नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। बस ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर कोई सिरप को लेता है तो। अब गाइस इसकी डोज की तरफ बढ़े तो इसकी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है एज, वेट, सीवियरिटी के ऊपर। फिर भी जो इसकी कॉमन डोज होती है वो 5 ml बीडी इसको लिया जा सकता है, मतलब 5 ml सुबह को और 5 ml शाम को, 6 दिन से लगाकर 7 दिन तक इसको दिया जा सकता है। और खाने के तुरंत बाद इसको दिया जाता है, तभी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप इसको लेंगे तो। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद अगर आप इसको लेंगे तो उसमें कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता इसका, जैसा अगर आपने अभी खाना खाया और अभी आप इसको खाना खाते ही तुरंत
इस सिरप को ले लेते हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी इस एरिस्टोजेन सिरप के बारे में दी है। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस एरिस्टोजेन सिरप की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज हो सके इसकी, और हमारी इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग नॉलेज पा सकें। तो गाइस ऐसे ही हम इस चैनल पर दवाइयों से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो थैंक यू।